नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद न्यू अपडेट ऑफ MIUI 12.20.6.11 जिसके अंदर हम आज बात करने वाले बहुत सी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर नई निकल के आती थी जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने अपने पोको X2 के अंदर यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट है यहाँ पर वो यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ। 12 का MIUI 12 का 20.6.11 बीटा जो कि यहाँ पर पोको X2 के लिए या आप कह सकते हैं रेडमी K30 ग्लोबल डिवाइस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में चर्चा करूँगा और किन किन डिवाइसेस में क्या क्या यहाँ पर निकल के आते हैं चेंजेस, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था चेंज लॉग में देख के। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको जो है, मैंने जैसे कि आपको वादा किया था, यहाँ पर ग्राफिकली भी हम बताएंगे कि क्या अपडेट यहाँ पर निकल के आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो फीचर को जो है कैमरे के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है जिनकी हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मेरे को ढंग से ना टैक्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली मैं तो यहाँ पर हाथ रख के देख सकते हैं। यहाँ पर लाइम करके एक नया आया था और यहाँ पर लाइम एंड ब्लैक आइस फिल्टर देख सकते हैं। ये एक तो ये वाला हो गया लाइम वाला, तो एक लाइम वाला आया, ठीक है, ये लाइम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो एक लाइम वाला आया और एक यहाँ पर आया ब्लैक आइस। तो ब्लैक आइस भी यहीं कहीं होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो फिर इस डिवाइस के लिए नहीं आया होगा, तो अभी जाएगा कोई दिक्कत बात नहीं। ये था ब्लैक आइस, तो एक ये वाला जो है यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर में और थोड़ा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपडेट है। तो ये कैमरे के अंदर हमको यहाँ पर जो नई चीज़ देखने को मिलती है, डार्क थीम के अंदर आपको यहाँ पर जो फॉन्ट होते थे वो प्रीव्यू फॉन्ट जो है वो दिखाई नहीं देते थे। जब आप यहाँ पर थीम वगैरह में जाते थे प्रीव्यू फॉन्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देते थे, तो उनको यहाँ पर अब फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब फॉन्ट जो आपको यहाँ पर सही से दिखाई देंगे, प्रीव्यू फॉन्ट जो है डार्क थीम के अंदर नहीं दिखाई दे रहे थे। लाइक अब यहाँ पर कुछ नए ऑर्डर करके तो यहाँ पर दिखाई नहीं रहा, अभी तो लोकल में मैं बस एक किया, तो ये प्रीव्यू जो दिखा रहा है ना ये पूरा दिखा नहीं रहा था सही से। तो अब जो है फाइनली इसको फिक्स कर दिया गया है और अब आप मजे ले सकते हो। और मैं सच बताऊंगा दोस्तों, ये वाला जो अपडेट यहाँ पर निकल के आया है वो बहुत 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 ज़्यादा स्मूथ है फ्रेंड्स। अगेन यहाँ पर कुछ और पता नहीं उन्होंने क्या किया और फिर से इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऐप वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पर एक फिक्स निकल के आता है। लाइक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता था अलार्म का शॉर्टकट और देखने को भी मिलता था तो वो फिक्स नहीं था या फिर वो चलता नहीं था। तो अब जो यहाँ पर आपको अलार्म का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी और अलार्म को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं रहा एक्चुअली, हाँ शॉर्टकट ये रहा, तो यहाँ पर अलार्म जो है नहीं लगा पा रहे थे लोग, तो अब यहाँ से डायरेक्टली जो है आप लगा पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही मतलब अब जो यहाँ पर अपडेट हो चुका है यहाँ पर अलार्म का ऐप भी। लाइक मैं आपको यहाँ पर अलार्म का ऐप खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लॉक के अंदर चलते हैं हम लोग और क्लॉक के अंदर हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर अलार्म मुझे कुछ अलग सा लग रहा है उधर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो यहाँ पर बेड टाइम वगैरह भी आपको एक नया फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है सारी ही चीज़ें। देन फ्रेंड्स, यू कैन सी सम अदर चेंजेस इन गैलरी। हम गैलरी के अंदर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बारी। तो यहाँ पर जो है गैलरी जो अपडेट कर दी गई है पहले से, अब इसके अंदर कुछ आपको न्यू फिल्टर्स एंड स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। जब यहाँ पर आप एडिट वगैरह करेंगे फ़ोटो को, तो जब आपको यहाँ पर कुछ नए फिल्टर्स वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे जिनको यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अभी इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रखा, लेकिन मैं यहाँ पर देख ही नहीं रहा कि सारे फिल्टर इसमें से कौन सा नया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ फिल्टर्स यहाँ पर नए आए हैं, मास्टर मूवी वगैरह जो भी था आप चेकआउट कर सकते हैं खुद से अगर आप यहाँ पर यूज़ करते थे इस फीचर को। एक्चुअली मैंने यूज़ नहीं किया था, कुछ मुझे पता नहीं है। इसके अलावा कुछ स्टिकर्स यहाँ पर जो है नए देखने को हमको मिल जाएंगे जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत 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 सारे स्पीकर्स हैं जिनके बारे में मैं क्या बताऊँ यहाँ पर। तो आप इनको यूज़ कर लेना, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं फ़िलहाल और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो अगेन फ्रेंड्स, हमको एक और नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है नोट्स के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो नोट्स भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो इस नोट्स के अंदर भी हमको एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिलती है। अब आप किसी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर हाइट का ऑप्शन नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा जो कि कमाल की बात है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपने नोट्स को हाइट भी करके रख सकते हैं और अनहाइट करने का ऑप्शन पता नहीं किधर अवेलेबल होगा, ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है, यहाँ पर आप खुद से कर लेना। यहाँ पर मैंने अभी लॉक वगैरह नहीं लगा रखा है, तो यही कुछ है यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर अपडेट निकल के आता है। बाकी CC9 Pro के लिए यहाँ पर Android 10 का अपडेट निकल के आता है।
जिसका जो है यहाँ पर अभी कुछ अता पता नहीं है, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि वो इंडियन वर्जन है भी नहीं तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो CC9E नाम का जो डिवाइस था वो यहाँ पर इंडियन वर्जन है ही नहीं इसका, तो उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं था आपको बताने का वैसे भी। और यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें लाइक ऑप्टिमाइज़ किया गया लॉक स्क्रीन के अंदर, जिनकी मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं हमको देखने को मिलता। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को हमको मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर, जो कि यहाँ पर आपका अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन। तो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमको कुछ यहाँ पर नए एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शायद मुझे कवर हटा देना चाहिए आई थिंक, लेकिन मैं हटाता नहीं हूँ। तो एक ये है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, इस तरीके का एक हमको देखने को मिलता है यहाँ पर नया जो है यहाँ पर एक तरीके का एनिमेशन यहाँ पर। इसके अलावा तीन एनिमेशन हमको देखने को मिलती है, जिनकी हमने कल बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं इनको लगा के भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर जाएंगे लॉक स्क्रीन के अंदर, लॉक स्क्रीन के अंदर जो है नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको फ्लो वाला जो हमारा बेसिकली था ही, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये नॉर्मल वाला हो गया हमारा, उसके बाद ये हमारा जो अभी हमको देखने को मिला था, और ये हमको बहुत पहले देखने को मिले थे, और ये वाला जो था, ये वाला वेव वाला जो था, ये हमको अल्फ़ा वाले मॉडल के अंदर देखने को मिला था, उसके बाद ये वाला हमको देखने को नहीं मिला था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और वो अल्फ़ा वाला भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो ये हमको दो तीन एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी कमाल के लगते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही यहाँ पर हमारे पास लिस्ट कौन कौन से डिवाइसेस को मिलने वाला है ये अपडेट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर Mi CC9E हो गया, Note 7 हो गया, Note 7 Pro, Note 10, उसके अलावा यहाँ पर K20 Pro, उसके अलावा 9 Lite, ठीक है, Mi 9 Lite हो गया, इसके अलावा HMK30 जो है हमारा, K30 वाला जो है 5G वेरिएंट उसके लिए, उसके अलावा हमारे पास K30 यानी हमारा Poco X2 5G वाला वेरिएंट, जो कि इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में ही है। तो इसके अलावा Mi Mix 3 हो गया, Mix 2 हो गया, यहाँ पर Mix 2S हो गया, Mix Max 3 हो गया, यहाँ पर 9SE, 9 Pro 5G। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर सारी रोल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे करके, आप जो देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर डिवाइसेस के लिए हैं। और जो डिवाइसेस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों, उनके लिए ये वाला जो अपडेट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं फिर से एक बार जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हमें जरूर से लाइक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे अपडेट्स आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।